रात हमने इधर कैंप में गुजारी। रात को हम अपना कैंप लेकर आए थे गाल वैली में, लेकिन यहाँ के आबादी, लोकल आबादी थी, उन्होंने कहा कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर स्टे करो। रात हमने यहाँ पे स्टे की है, अभी ट्रैकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे ट्रैक के लिए। सी यू। यह है कैंप से बाहर के मनाजिर। आबादी कम है यहाँ की, लेकिन बहुत आला मंजर है। ये है हमारा नाश्ता, नाश्ते के बाद हाइकिंग के लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आरिफ साहब? दुआ जी, ठीक हैं। हमें इस जगह के बारे में कुछ बताएंगे? बस ये जगह, ये गाल है, ये गाल वैली है। गाल वैली है, ये खूबसूरत इधर झीले हैं। ठीक। इधर सर के लिए बहुत अच्छी जगह है। सही। लोग अमन पसंद है, जबरदस्त। यहाँ कोई खतरा मतरा कोई भी नहीं है, जबरदस्त। इंशाल्लाह आइंदा साल भी आप आओ, लोगों को बताओ। इधर बहुत झेलें हैं, इस साइड पे भी झेलें हैं, आपने नहीं देखा है? इस साइड पे? हाँ, इस साइड पे भी झेलें हैं, तीन इधर है। अच्छा। एक इस पीछे है। ठीक। एक आगे है। अच्छा। तीन इधर है। ठीक। इस साइड पे हैं झीलें। जी जी। ये उसी झील के रास्ता, मेन झील के रास्ते ट्रैक में आएंगे ना? जी जी जी। या उसके लिए हमें अलग से किसी दूसरे रास्ते पे जाना? नहीं नहीं नहीं, मेन 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 झील के रास्ते में, जो दूधी पत्थर झील है उसी के रास्ते में आएंगी वो तीन झील है। हाँ जी जी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा मजा आने वाला है इसका। हाँ, बहुत बहुत अच्छी झील है इधर भी। ठीक। खूबसूरत जगह है, जबरदस्त। गाल विलेज से निकल चुके हैं, हम झील की तरफ जा रहे हैं। देखें टाइम हो गया इस वक्त 8:05, किस टाइम पहुँचते हैं, लेट्स सी। विकास कैसे हो? कितना चले अभी तो स्टार्ट किए, पीछे बड़ा डेडली किस्म का कुत्ता आ रहा है, ये जल्दी पहुंचा देगा ऊपर। अभी हमने उस पहाड़ पे जाना, पहले उधर से आगे रास्ता जाएगा दूसरा कोई, सो लेट्स सी। पबजी में ना एक नया मैप है। अच्छा। लिविक कहता है, वो लिविक कितना है यहाँ, उसमें भी ऐसा ही फील है। बात भाई कह रहे हैं उस साइड पे कोई झील है, अभी हम पहले वो झील देखेंगे, फिर आगे रास्ते से होते हुए हम दूधी पत्थर की तरफ जाएंगे। अभी तक हमारे बैग उठाए हुए थे चरवाहों ने, काफ़ी सारा वो नीचे से लेकर आए हैं हमारे बैग। अब सही मज़ा आएगा ना, अब सही मायनों में हाइकिंग का मज़ा आएगा भैया। हम एक और झील के करीब पहुंच गए हैं, काफ़ी बड़ी झील है, फिलहाल इसका कोई नाम नहीं है, हम सोच रहे हैं हम इसका कोई नाम रखें। ना तो दिल कर रहा है इधर ही बैठे रहूं, लेकिन आगे दूधी पत्थर भी जाना है, ये चढ़ाई भी चढ़नी है। वकास एजाज ने वजाद भाई से बहुत दोस्ती लगा ली है, गहरे दोस्त बन गए, ऐसे लग रहा है कि जैसे बरसों के पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। इन्हीं पत्थरों पर चल के आ सको तो वकास कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा।
एक एक लफ्ज़ की भी जो ताकत है वो बचा के रखनी है, फुल स्टॉप। जब आप इन ट्रैक्स पे चला करें तो ज़्यादा चूँ चूँ नहीं करनी चाहिए, एनर्जी सेव रखें। नहीं, नहीं। चूँ चूँ बंदे की बंद हो जाती है। कुछ मीटर चले हैं नीचे वाली झील से, आगे एक और झील आ गई है, इसका भी कोई नाम नहीं है। ठीक है, इस झील का डिस्चार्ज वाटर जो है ये सीधा जा रहा है वो नीचे वाली झील पे जो हमने आपको दिखाई थी। यहाँ पे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे कोई भी शॉपर नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं, तो इस वजह से ये जगह काफ़ी साफ़ है। तो हमने भी यहाँ पर कोई शॉपर नहीं फेंका। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जब इधर आएँ प्लीज़। ये झील नीचे से है, अभी हमने ये इधर से ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ के, इसकी बैक साइड पे है दूधी पत्थर। पहाड़ों के साथ हम खुद भी आसमानों को छूते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे सीधी सीढ़ियाँ होती हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, उस तरह का रास्ता है। अभी इस खतरनाक रास्ते से आए हैं, बहुत मुश्किल है। इस ट्रैक का सही मज़ा आ रहा है, फुल टाइम बस हुई पड़ी है। हम इस वक्त उस मुकाम पर हैं जहाँ पे तीन झीलें एक वक्त एक साथ देखी जा सकती हैं, और मज़े की बात कि तीनों का नाम ही कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि आखिरकार हम ये चढ़ाइयाँ चढ़ के दूधी पत्थर पहुँच गए हैं। खासतौर पर पत्थरों वाली बहुत स्टीप स्लोप है और तो मुश्किल से पाँव रखा जा रहा था, और आखिरकार हम झील पहुँच गए हैं। ये आपको मैं भी झील दिखाता हूँ, एक तरफ ये झील है, ठीक है, एक वो झील है, एक वो तीसरी झील उधर है, और मेन झील जो हम देखने आए थे वो ये सामने है। वो दिखाता हूँ मैं, ये रही दूधी पत्थर लेक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम इधर पहुंच के बहफाजत, कोई मसला नहीं हुआ। 3.5 घंटे लग गया हमें।